अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम अभिनव चौबे है। अभिनव कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहाँ बनारस के ही हैं। पहली बार वाराणसी के किसी घाट पर अब चार्ज किया जा रहा है, शुल्क लिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए ये मुझे बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि अन्य घाटों पर देखा जाए तो वहाँ पे चार्ज नहीं लगता, कोई भी चार्ज नहीं लगता है और आने जाने वाले आपस में मतलब चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर देख रहे हैं कि चार्ज लग रहा है, जो कि बहुत ही बेकार है, क्योंकि अन्य घाट पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज लग रहा है, पार्किंग चार्ज लग रहा है और अंदर आने का चार्ज लग रहा है। क्या चाहते हैं जो जिस तरीके से ये चार्ज लिया जा रहा है, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए? जी जी, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और जैसे हमेशा हर घाट पे फ्री लगता है, उसी तरह इसको भी फ्री में रखा जाए। मेरा नाम आर्यन वर्मा है और हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। आर्यन, वाराणसी घाट पर पहली बार आ रहे हैं जी। अब घाटों पर, यहाँ नमो घाट पर आप हैं, यहाँ शुल्क लिया जा रहा है, किस तरीके से इसको देखते हैं? जी ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अन्य घाटों पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, इसके बदले में ये गलत नियम है। इस नियम को हटाना चाहिए ताकि लोगों को इससे कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से इस घाट पर आके घूम सकें। ये गलत बात है, चार्ज को जल्द से जल्द हटाया जाए। और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, वो चार्ज देंगे तो यहाँ पे घूम कैसे पाएंगे? वो घूमने के लिए आते हैं, थोड़ा फ्रेश एयर लेते हैं, पढ़ाई करने के लिए शांत माहौल ढूंढते हैं, तो पढ़ेंगे या फिर चार्ज दे के कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए इनको हटाना चाहिए। रमन कुमार विश्वकर्मा, कहाँ से आ रहे हैं? पढ़ा भैया, नमो घाट पर पर्ची वर्ची कट रहा है। हाँ, पहले कभी ऐसा हो रहा था? पहले कभी नहीं हो रहा था, आज हम सुने 1 तारीख को हम आए थे ना, वहाँ पर नहीं हुआ था। किस तरीके की दिक्कत हो रही है इसको लेकर? यही दिक्कत हो रहा है कि पार्क में घूमने में 20 रुपये बाइक का, 20 रुपये आदमी का लग रहा है। अच्छा, बाइक पार्किंग का अलग और 20 रुपये घाट का अलग? हाँ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसे घूमने क्या फायदा है? नगर निगम वाराणसी स्मार्ट सिटी के तहत सुनने में आ रहा है कि अब वाराणसी में गंगा घाट के किनारे सैलानियों या काशी वासियों के टहलने पर टिकट यानी शुल्क लिया जाएगा। सुबह बनारस के नाम से काशी विख्यात है, जहाँ पे बनारस के लोगों की दिनचर्या माँ गंगा जल के आचमन से, स्नान ध्यान से शुरू होती, लेकिन अब वो भी सुलभ नहीं होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो माँ गंगा का कथित पुत्र बनकर के वाराणसी से सांसद का चुनाव लड़ा और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने माँ गंगा के अस्वस्थता को देखते हुए अविरलता और निर्मलता की बात की थी और 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना ली थी, लेकिन स्वयं आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने उस भ्रष्टाचार को खुलासा किया। अब कहना गलत नहीं होगा कि धर्म के नाम पर सत्ता में विराजमान लोग अब धर्म से कमाई करने का जरिया खोज रखा है, जिसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पे बाबा विश्वनाथ के उस धार्मिक धरोहर को एक माल संस्कृति के रूप में बना दिया, एक व्यवसायिक धरोहर बना करके काशी विश्वनाथ के उस पौराणिक महत्व को समाप्त किया। अब बनारस के माँ गंगा के घाटों को उजाड़ने की परंपरा शुरू हो रही है। काशी वासियों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती रहेगी, जब तक ये हिटलर शाही फरमान एक जजिया के रूप में जो लिया जाने वाला है, ये वापस नहीं लिया जाएगा। शाकंभरी नंदन सुंथालिया, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वाराणसी स्मार्ट सिटी। सर, ये बनारस के जो ये नमो घाट है, इस पे किस तरीके का शुल्क लगा था और अभी क्या स्थिति है? नमो घाट पे बेसिकली हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए और साथ में भीड़ को मोबिलाइज करने के लिए 10 रुपये का नॉमिनल शुल्क लिया था, और उसको कल शाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। और अभी जो है उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश आए हैं कि कुछ देर के लिए इसे होल्ड पे रखा गया, अंडर रिव्यू करा जा रहा है। क्यों, क्या वजह थी लगाने के पीछे की कारण क्या थे, क्यों लगाया गया था? लगाने के पीछे यही कारण था, जैसा कि मैंने बताया कि घाटों पे बहुत सारे संसाधन हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, और वो प्रायर मेंटेनेंस होता रहे, बहुत अच्छे से वो चीज़ें मेंटेन रहे, काशीवासियों के काम आ सके, वो सुविधा दे सके, एक तो ये था। दूसरा, जो क्राउड आ रहा है वो थोड़ा मोबिलाइज रहे, असामाजिक जो तत्व हैं उस चीज़ से दूर रहें, उस वजह से इन सारी चीज़ों को हमने एक टिकटिंग का पर्पस लगाया था।